नाज्रीन असलकुम आज एक और वीडियो के साथ आप में हाजिर हैं मेरे साथ आ, मिस्टर गाज़ी खान मौजूद हैं कैलिफोर्निया अमेरिका से और आज आ, ये बात करेंगे कि वैल्यू एड आप कैसे कर सकते हैं मुख्तलफ जो है फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में किस तरीके से उनको ड्राई किया जा सकता है आ, सोलर ड्रायर यूज़ किया जा सकता है और टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं कि वही फल जो कि बहुत ज़्यादा पैदा होता है नॉर्थन एरियाज में स्पेशली और बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है वो सारा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता नीचे साउथ में क्योंकि वो एकदम इतना ज़्यादा पक जाता है कि वो इतने ट्रांसपोर्टेशन में आ, वो खराब हो जाता है तो उसको किस तरीके से ड्राई किया जा सकता है और उसकी कीमत जो है वो पाँच से छः गुना बढ़ाई जा सकती है जिसे वैल्यू एडिशन कहते हैं इस पर बात करेंगे आज हमारे साथ साहब साहब तो जी इसमें यही मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके दो पार्ट होंगे पहले पार्ट में हम जो है वो जो मुख्तलफ सब्जियां और फ्रूट्स हैं उनको ड्राई करने का आपको बताते हैं कि उसमें वैल्यू एडिशन कैसे होता है उसमें कलर्स का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है कौन कौन से कलर्स को किस तरीके से मिक्स किया जाए कौन कौन सी रेसिपीज़ जो हैं ये करके एक ही प्रोडक्ट को अगर आप बाज़ार से ले आते हैं उसको मिक्स एंड मैच करते हैं तो उसके बाद उसकी वैल्यू आप किस तरह की तरीके से इनहेंस कर सकते हैं मौजूदा हालात में मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसमें सबसे पहले अब इसमें यह है कि अगर आप एक सौ रुपये की प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसको आप कैसे किस तरीके से आ, एक हज़ार रुपये तक जो है ये कैसे फरोख कर सकते हैं तो ये वैल्यू एडेड बिज़नेस है फॉर ऑल सीजन इसके मतलब मैं थोड़ी सी आपको आ, मैं बातें बता रहा हूँ इस तरीके से कि मैंने ख़ुद भी आ, जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो मैं वहाँ से कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेता हूँ ताकि मुझे गैस रहे कि पाकिस्तान में अगर ये चीज़ें जो हैं ये अगर इस्तेमाल की जाएं तो उसका कितना लोगों को फ़ायदा हो सकता है सेकंड स्क्रीन में आपको ये डिस्क्लेमर है और उसके बाद इसमें यह है कि किसी चीज़ को कहते हैं पैक करना एक बहुत ही बड़ा फ़न है कि आप एक चीज़ को अगर अच्छे तरीके से पैक करते हैं तो उसकी दुगनी कीमत भी आप उससे वसूल कर सकते हैं यहाँ जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो सबसे पहले हम हमारी नज़र उसकी पैकिंग पे पड़ती है अगर पैकिंग अच्छी है और ख़ूबसूरत है और हाई लाइन नज़र आती है तो हम उसके कई गुना ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक फ़न है और मैं कोशिश करूँगा कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं इनको जो घरेलू आम इस्तेमाल होती हैं इनके बुनियादी रंगों की चीज़ों को एक दूसरे में मिक्स करें तो ये एक बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस बन जाता है जो हर आदमी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी अपने घर में बैठ के कर सकता है अब इसमें चंद तस्वीरें आप यहाँ देखें ये यह मैंने टर्की में गया था वहाँ मैंने ये पिक्चर्स ली थी तो ये कुछ पैकेट्स आप देख रहे हैं ये खुश्क चीज़ों के सूप हैं मुख्तलफ़ चीज़ों के अलग अलग सूप बनाए हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने दो दो तीन तीन चीज़ें मुख्तलफ़ दालें मुख्तलफ़ चीज़ों के सूप बनाने के लिए उसमें अलग अलग जो है आइटम्स डाल के तो ये उन्होंने पैकिंग की है और इस तरीके से अगर पैकिंग करते हैं तो ये चीज़ें जिनकी बुनियादी जो कीमत है अगर वो हिसाब लगाएं तो वो चंद रुपये है लेकिन इन चंद रुपयों की चीज़ को पैक करके वो लोग जो हैं वो इसमें डॉलरों के हिसाब से पैसे ले रहे हैं अगली तस्वीर में इसी इसमें ज़्यादातर पिक्चर्स ज़्यादा हैं और इसको आप अगर ग़ौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस तरीके से अगर आप पैक करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है आप उर्दू ज़ुबान में कर लें इंग्लिश में कर लें कोई ऐसी फ़ॉन्ट रखें जो पढ़ी जा सके और इसमें कलर कोडिंग कर दें तो ये एक चीज़ आपका एक अगर आपके पास ये सूप्स हैं उनको एक कलर दे सकते हैं कोड कर सकते हैं अगर इसके पास आपके पास दूसरी ब हैं उसको दूसरा कर सकते हैं गिफ्ट आइटम है उसको तीसरा कलर दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं यहाँ ये यह आप देखिए कि ये भी जो है ये मुख्तलिफ पैकेट्स में आपको नजर आ रहा है कि वो मुख्तलिफ किस्म की ग्रेन्स जो हैं वो सूप के लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने बनाए हैं और उसमें नूडल्स के मुख्तल डिजाइन डाल दिए हैं और वो डाल के तो उनको कलर कोडिंग करके तो एक इस तरीके के पैकिंग किया है जैसे ग्रीन और येलो को मिक्स किया है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं उन्होंने रेड दे दिया है तो इन कलर्स के हिसाब से अगर देखें तो ये एक बड़े ये मील्स हैं हेल्दी मील्स तो ये आप इस तरह के मील्स भी पैकेट बना सकते हैं और उनको भी आप सिर्फ सिर्फ इसमें पैकिंग है और कुछ नहीं है ये सिर्फ चीज़ें आपने लानी है उनको इकट्ठा करके तो उसकी वैल्यू को ऐड कर देना है तो वैल्यू एडेड ये आपका एक सोल्यूशन बन गया इससे अगली स्लाइड में भी देखेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी ये मील्स हैं और इसमें कोई मशरूम सूप है कहीं वो हेल्दी मील्स में उन्होंने चने वग़ैरह डाले हुए हैं लेकिन उनके साथ अकेला नहीं कुछ पत्ते उन्होंने रखे हुए हैं साथ में ऊपर तो वो ड्राई करके ये ड्राई अरेंजमेंट है ये आप ये जगह भी बहुत कम लेता है और इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है और एक ही जगह पर आप बहुत सारी प्रोडक्ट जो हैं ये खुले खुली मार्केट की बजाय इस तरीके से अगर बंद करके पैक करके दें तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ भी आपको हम आ, मील्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ भी आप कलर स्कीम देखें तो आपको अलग अलग चीज़ें वो कॉर्न का है एक तरफ बना हुआ है वेजिटेबल सूप अलग बना हुआ है ये इनको अगर आप इस तरीके से भी देखें पैक करें तो ये भी एक अरेंजमेंट है ये आपको मैं कुछ आइंदा स्लाइड में और भी दिखा रहा हूँ ये ब्रोकली चेडर सूप जो मिक्स है इसको देखें ब्लैक बीन सूप के लिए देखें तो ये भी उन्होंने काट के खुश करके ड्राई करके इसमें रखे हुए हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करें तो वो आपका सूप तैयार हो जाता है तो ये चीज जो है ये फॉर्मूला भी है सेहत के लिए भी अच्छा है और बेचने के लिए बेचने वाले के लिए इसमें बहुत प्रॉफिट है क्योंकि इसमें आपकी कास्ट बिल्कुल चंद रुपयों की कास्ट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं वैल्यू ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट में आप यहां देखेंगे यहां टोमेटो खुश करके राइट साइड पे सर आपकी स्लाइड्स जो है वो शेयर नहीं हो रही देखिएगा मैं चेक करता हूं जी इसमें मैं इस कोशिश कर रहा हूँ देखने की कि इसमें कहाँ इशू कहाँ आ रहा है क्योंकि स्लाइड मेरे पास शेयर होनी तो चाहिए लेकिन अगर नहीं हो रही है तो ये भी एक इशू है कि समटाइम्स आप काम कर रहे होते हैं दरमियान में वो जो है ये हम ज्वाइन करते हैं और ये काम अगर नहीं करता तो हम इसको सल्यूशन ढूंढ लेते हैं और फिर बता देते हैं कि इसको फिक्स कैसे करना है अब स्क्रीन अभी आ रही है या नहीं आ रही है शेयर नहीं हो रही है, अब आ रही है 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 पास अब अब आ आ आ आ जी गई गई ठीक है तो ये कब से नहीं आ रही है पहले से जब मैं बात करू पहली दफा है पहली दफा है एक सेकेंड यहां से हमने शुरू किया था और इसको अगर आप देखें यहां से तो मैं अपनी तस्वीर को छोटा कर दूं ताकि ये इसमें डिस्टरबेंस ना करे और मैं इसको अगर बड़ा करूंगा तो ये भी मुझे बताइएगा कि अब आती है कि नहीं जी आ, बिल्कुल आ रही है बिल्कुल आ रही है ठीक है आ आ ये आ है। अच्छा ये जो सूप जिनकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ चंद तस्वीरें हैं इनको आप गौर से देखते हैं ये सूप से शुरू होती है ये सारे के सारे सूप हैं कम जगह लेते हैं और इसमें बहुत आप पैसा बना सकते हैं इस तरतीब से लगा के इसके बाद ये दूसरे सूप जिसमें हेल्दी मील का मैंने बताया था ये भी इसमें नूडल वगैरह डाल के मुख्तल रंगों के और ये कलर स्कीम बना के उन्होंने इस तरीके से वैल्यू एड की है चंद्रपों की चीज जो है वो सैकड़ों में आप बेच सकते हैं ये भी आप देखिए हेल्दी मील्स ये भी आप देख दिए ये सारे के सारे मील हैं लेकिन इसकी डिफरेंट कंपोजिशन जो है अलग अलग तरीके से बनाई गई है साथ में फ्रंट पे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि ये किस किस चीज का मिक्स है ये ब्रोकली चडर सूप है और ब्लैक बीन का सूप दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं राइट साइड पे यहां भी आप देखेंगे कि ये तस्वीरों में राइट साइड पे जो है वो उन्होंने टमाटर खुश करके वो भी डाले हुए हैं इसमें टमाटो बेसल सूप है और इस तरीके से हर चीज़ को आप मुख्तल बीन्स के साथ मिल के मिला मिला के तो आप इसको बहुत सस्ता खरीद के बहुत महंगा करके अच्छे कीमत पे बेच सकते हैं और बहुत सारी फूड को कॉम्पैक्ट करके छोटे पैमाने पे करके स्मॉल पैकेट्स में आप इनको दे सकते हैं कि एक वक्त में एक वक्त का सूप एक आदमी के लिए कितना होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं इसमें भी पिक्चर में आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं आ, ये मुख्तलफ अलग अलग किस्म के सूप हैं और बीन सूप हैं कॉर्न के चौडर चौडर है और इस तरह की चीज़ें हैं मुख्तलफ आप इसमें आर्ट ये है कि छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग रंगों में जिस तरह हैं इसमें कलर्स को आपने मैच करना है इस तरीके से आपका जो है ना वो ज़्यादा अच्छा सेल होगा इस तस्वीर में भी आप देखिए चिकन नूडल सूप अब इसमें वो चिकन का भी उसमें उन्होंने डाल दिया है आ, फ्लेवर इस तरीके से आ, बाकी के भी जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स में इसमें हर एक की कॉम्बिनेशन जितने भी आप स्क्रीन पे देखेंगे हर एक की अलग अलग होगी यहाँ भी आप इस बड़ी तस्वीर में भी देखते हैं कि आप इसी एक पिक्चर में बहुत सारे आइडियाज जो हैं मकसद इसका है कि आपने आइडिया कलेक्ट करना है आइडिया आपको इन तस्वीरों से हो जाएगा कि आप किस तरीके से मुख्तलफ़ दालों को नूडल्स को मुख्तलफ़ चीज़ों को मिक्स करके सूप की शक्ल में मील की शक्ल में हल्दी स्टफ़ की तौर पर आप उनको बेच सकते हैं और उसमें उसका फार्मूला फ्रंट पे दे सकते हैं कि ये किस किस चीज़ का मिक्सचर है और लोगों को इस तरीके से अगर आप पैकेट्स बना के देंगे तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा अब यहाँ ये जो है ये रोस्टेड गार्लिक स्पिनच है ड्राई किया हुआ किया उन्होंने सिर्फ इतना है कि दालों के अलावा जहां सब्जियाँ ली हैं तो सब्जियों को या अर्ब्स को लेके जब आपके जिसको आप क्या कहते हैं कि मुख्तलफ अर्ब्स को क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब क्या कहेंगे अर्ब्स को आप जी ये जड़ी बूटियाँ इस तरह की ये खाने पीने में जो मसाले जैसे धनिया पुदीना ये इस तरह की चीज़ें जो हैं जो आप अपनी दालों में इस्तेमाल करते हैं अपनी हांडी में इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी आप ड्राई कर लेते हैं ड्राई करने के बाद जब आप इसको छोटे पैकेट में कर लेते हैं तो फिर कोशिश ये करनी कर करनी चाहिए कि जब आपकी ड्राइंग होती है अगली वीडियो में जब हम आपको मशीन बनाने का तरीका बताएंगे तो उसमें आपका जो कलर खराब नहीं होगा इसका क्योंकि होता है कि जब आप धूप में चीज़ों को सुखाते हैं तो उसका रंग उड़ जाता है तो जब मशीन में आप इसको ड्राई करते हैं तो उसमें उसका ओरिजिनल कलर बाकी रहता है तो ये उसकी ब्यूटी है और यही आप इसमें भी देख रहे हैं कि जो जो भी उन्होंने ये लेमन डेल डाला हुआ है ग्रीन ऑनियन डाले हैं रोस्टेड गार्लिक स्पिनच डाली हुई है तो ये जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये अपने ओरिजिनल कलर में है अब यहाँ उसके बाद एक और तरीका लोग इख्तियार करते हैं यहाँ पर बेचने का कि वो मुख्तलिफ़ सूप्स को लेके या मुख्तलफ मील्स को लेके के मिक्स को लेके एक बास्केट में डाल देते हैं एक टोकरी में डाल देते हैं और इसको एज ए गिफ्ट पैक आप उसको देते हैं मिसाल के तौर पर आप घरों में जाते हैं एक दूसरे के घरों में तो वहाँ यूजली आप यहाँ मिठाई लेके जाते हैं या केक लेके जाते हैं किसी के घर में जाना हो यही एक तरीका आमतौर तो पर पाकिस्तान में तो कम से कम मैंने यही देखा है लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और किसी के पास एक बास्केट लेके जाते हैं उस बास्केट में बड़ी खूबसूरती के साथ मुख्तलिफ सूप्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ मील्स लगे हुए हैं तो ये एक बड़ा हाई एंड किस्म का बिजनेस जो है बहुत अला किस्म का बन सकता है और उसमें लोगों के ये काम बड़े आ सकते हैं बुझाए इस बा बात के कि आप मिठाई वगैरह लेके जाएं उनकी हेल्थ खराब हो तो ये एक एक हेल्दी तरीका भी है और पैसे बनाने वाला तरीका, तरीका ये, ये हेल्थ फूड शॉप्स वगैरह पे रखा जा सकता है और कितना अच्छा आपने ये एक तरीका बताया है लोगों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इसको ऑनलाइन भी बेचा जा सकता है दिस कैन बी स्टार्ट एज एन ऑनलाइन बिजनेस और एन ऑफलाइन बिजनेस और इसका जब आप तरीका बताएंगे कि इसको ड्राई कैसे किया जाता है मशीनों के जरिए अगली वीडियो में तो वो देख कर पूरा का पूरा जो बिजनेस प्लान है वो लोगों के हाथों में आ जाएगा और वो जो है अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे बहुत कम लागत से और इसको जो है ये अगर ऑनलाइन बेचेंगे तो ये पैकेट अगर जिसमें जो सब्जियां हैं या जो और इसमें चीजें हैं सपोज उसकी कीमत सौ रुपए है तो आसानी से वो हंड्रेड परसेंट इसके ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं इससे नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें भी ये गिफ्ट पैक है इसमें आपने नोट कर, करेंगे कि ये जो उसमें वो जो गुड़ी कागज जिसको बोलते हैं इसको उन्होंने जो है मशीन से जो काटा हुआ है इसमें जो हमारे श्रेडर होते हैं श्रेडेड पेपर रख के इसमें तो उसमें भी उन्होंने ये खूबसूरती के साथ इसको पैक कर दिया है ये भी पैकिंग का एक अंदाज है इसमें एक चॉकलेट का भी एक आप रख सकते हैं पैक रख सकते हैं तो ये मिक्स एंड मैच करके तो मिक्स एंड मैच का जो बास्केट है ये भी एक बहुत बड़ा फैमिली के लिए एक बड़ा अच्छा गिफ्ट बन सकता है जिसको आप सेल कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट बनता है इसमें एक कार्ड जो है लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं वो रखा हुआ है टाई की बोल गा के तो इसमें जो आकर मैसेज किसी को देना है घर में किसी को देना है उसका नाम लिखना है बर्थडे प्रेजेंट है कुछ भी है तो उसमें आप वहाँ उसका नाम भी इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये एक बहुत ही आ, हाई एंड किस्म का आपका बन जाएगा गिफ्ट पैक यहाँ भी देखिए ये भी एक ट्रे में रखे हुई हैं चीजें और इस ट्रे में ये एज ए ट्रे भी आप इसको आ, बास्केट की बजाय अगर ट्रे लगानी है तो ट्रे लगा दें तो इस तरीके से भी आप ये गिफ्ट पैक लोगों को दे सकते हैं और इसमें बहुत आपको जैसे आपको पता है कि इसमें बहुत ही कम लागत आपकी आती है आपने अपनी मशीन में ड्राई की हैं चीजें की हैं और उसको सेल कर रहे हैं यहाँ आप उसमें ऐड करना चाहते हैं और भी काम तो उसमें बास्केट लगा के उसके और उसके जो प्राइस है उसकी उससे भी तकरीबन हंड्रेड परसेंट से ज्यादा आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं यहाँ आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं मिर्चें हैं और उन्होंने ड्राई किया हुआ है इसमें पिक्चर में और ये इस तरीके से ये तो ड्रायर उनका अपना है हम आपको एक दूसरा ड्रायर की मशीन एक्चुअल ड्रायर मशीन देंगे जहाँ इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं आप इनको ड्राई कर सकते हैं अब मैंगोज़ हैं उसको काट के फ्रूट को काट के हर किस्म के फ्रूट को काट के तो वो आप उसको दे सकते हैं बज़ दफ़े ऐसे होता है कि आपने फ्रूट काटा है और ड्राई हो गया ड्राई के बाद उसको आप अगर मुख्त कलर में है तो चॉकलेट में डिप करके थोड़ा थोड़ा उसको आधा आधा डिप करके तो उसको ड्राई कर लेते हैं तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा ड्राई अर्ब एंड वेजीज ये गिफ्ट आपका बनता है इस तस्वीर में भी आप देखते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ अरब्स हैं लेफ़्ट साइड पे गुलाब के फूल हैं उनको भी ड्राई किया हुआ है ये एक ड्राई अरेंजमेंट है मुख्तलिफ हर्ब्स की जो आप अपने खानों में खुशबू के लिए डालते हैं तो अलग अलग चीज़ों को आप इस तरीके से तैयार करके तो सेल कर सकते हैं ये तरीका आपका जो है यह है कि मौसम जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जब मौसम में बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आती हैं तो एक्सेस आपको उस वक्त बड़ी सस्ती चीजें मिल जाती हैं तो वहां लेके आप ड्राई करें तो ऑफ सीजन में फिर आ, इनकी बड़ी मांग होती है और ये बड़ी महंगी होती हैं तो इनको आप जो है वो उस तरीके से ड्राई करके सेल कर सकते हैं तो अगली वीडियो में हम आपको फूड ड्राइंग की मशीन की तफसी बताएंगे जो कोई भी तरखान जो है आपके पास वो आराम से उस मशीन को बना लेगा कोई मुश्किल नहीं है तो ये आपका एक वैल्यू एडेड बिजनेस बन जाएगा ओवर टू यू बिशारत भाई जी ये इसको स्क्रीन शेयर को ख़त्म कीजिए ताकि कुछ बात हो सके आपके साथ कुछ डिस्कशन भी हो सके दो मिनट की तो आ, देखें आज आपने एक बहुत ही अच्छी जो है चीज़ बताई है और आ, पाकिस्तान में रबत बहुत ज़्यादा है आ, पिछले चंद सालों से महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि आम आदमी जो है उसका जी ना दो भर हो चुका है हर एक को किसी ना किसी किस्म की कोई एडिशनल इनकम चाहिए जॉब्स यहाँ पर हैं नहीं लोग अनएम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है और फिर पिछले दो महीने में आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने की वजह से और उनके साथ नेगोशिएशन की वजह से जो अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला था तो मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है फिर ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ी है उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पर भी आया है और ना सिर्फ ये कि फ्यूल महंगा हुआ है जिसमें डीजल है पेट्रोल है डीजल के जरिए सारी आपकी ट्रक्स पे ट्रांसपोर्टेशन होती है इन आइटम्स की भी फूड आइटम्स की भी वो बहुत महंगे हो गए हैं और इसके अलावा क्योंकि आपका बहुत बड़ा जो है एनर्जी में जो मिक्स है वो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड है यानी ऑयल हैल एनजी और इम्पोर्टेड कोल पर तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा हो गया है तो आपकी एनर्जी बहुत महंगी हो गई है जनरेशन और लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस वक्त मुल्क में ये सूरत हाल है लोगों को कोई इस तरह की साइड इनकम्स की जो कि बाद में फुल टाइम इनकम भी बन सकती है बताने की ज़रूरत है तो इस सिलसिले की एक काविश है और आ, ये जो है इस बिज़नेस को आप ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं और ऑफ़लाइन भी शुरू कर सकते हैं उसके तरीके भी हम आपको बाद में बताएंगे कि मुख्तलि बिज़नेस आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं और उससे एक बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं और हमारी ख़वास स्पेशली जो हैं ये काम वो भी अपने घरों से कर सकती हैं उनको कहीं बाहर जाकर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है बाहर जाकर जॉब्स करती हैं तो तरह तरह के खतरा आते हैं और इसमें जो है यंग लड़कियां भी अपना जो है वो काम अपना कारोबार कर सकती हैं बूढ़ी औरतें भी कर सकती हैं जवान औरतें भी कर सकती हैं इसके अलावा मर्द भी कर सकते हैं बच्चे भी कर सकते हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं एक जो है एडवाइस देना चाहूंगा लोगों को कि देखिए आपके पास कितनी भी बेहतरीन स्किल्स हैं आप आ, के पास कितनी भी बड़ी एजुकेशन है आपके पास पीएचडी है आप फॉरन पीएचडी होल्डर हैं आपके पास 20 25 30 साल का एक्सपीरियंस है आ, इसी तरीके से आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बहुत महंगा बनता है और उसकी बहुत ज़्यादा मांग भी है लेकिन अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है अगर आप अपने प्रोडक्ट को और अपनी सर्विसेज को मार्केट नहीं कर सकते बेच नहीं सकते तो आप चाहे पीएचडी होल्डर हैं आप अपनी स्किल्स लेकर अपने घर में बैठे रहेंगे और कोई जो है उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकेगा ना आपको उसकी कोई इनकम होगी इसी तरीके से कोई आप प्रोडक्ट बनाते हैं किसी किस्म का भी आ, या ख़रीदते हैं चाइना से मंगवाते हैं आ, और उसको आप अमेज़ोन पर रखवा देते हैं या दराज जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं इन पर रखवाते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं करते मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग भी शामिल है उसमें जो है डोर टू डोर मार्केटिंग भी शामिल है उसमें और टेक्निक्स भी शामिल हैं मार्केटिंग की तो अगर मार्केटिंग पे आप अपना बजट नहीं रखते तो कोई भी बिजनेस या कोई भी जो है कंसल्टेंसी वो कामयाब नहीं हो सकती आ, ये हमारी एक काविश थी आपको एक ऐसी बिजनेस के बारे में बताने का जिसको जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको आम मिल जाते हैं किसी भी जगह से और इसको आप तैयार करके ड्राई करके और मुख्तलफ ख़ूबसूरत पैकिंग्स में बनाकर बास्केट्स में बनाकर उसका तरीका बड़ी ख़ूबसूरती से गाजी खान साहब ने आपको बताया है इस तरीके से अमेरिका में बिकती हैं हेल्थ स्टोर्स में बिकती हैं चीज़ें और बहुत महंगी बिकती हैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान का जो नमक है जो यहाँ से चंद पैसे किलो के हिसाब से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे मुल्कों को वो खूबसूरत पैकिंग में जब बेचा जाता है अमेरिका में और यूरोप में और दूसरे मुल्कों में तो वो जो हिमालयन सॉल्ट के नाम से तो वो कई यानी यह जो यहाँ से कई चंद पैसों का किलो होता है वो जाकर वहाँ पे दस से बारह के बीस डॉलर तक का किलो बिकता है तो इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन इसको याद रखिएगा इस लफ्स को और इस पर अमल करें जो आज हिदायत दी गई है इनशाला आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस में कामयाब रहेंगे बहुत शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया